नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थायराइड की समस्या आज महिलाओं में बहुत आम हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है। हमने अक्सर अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में या फिर अपने आसपास अपने फ्रेंड्स में ज़रूर सुना होगा कि उन्हें हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती है जब हमारी थायराइड ग्लैंड T3 और T4 जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन या तो बहुत कम करती है या बहुत ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा वज़न अचानक से या तो बहुत बढ़ने लगता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फीमेल्स में अक्सर बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, उनके पीरियड्स हैं वो अनियमित हो जाते हैं, टाइम से नहीं आते हैं, या फिर उनके नाखून बहुत ज़्यादा जल्दी टूटने लगते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपके जॉइंट्स और मसल्स में पेन रहने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना हो, थायराइड के हॉर्मोन्स आपके बैलेंस रहें, उसके लिए आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो जो सबसे पहला टिप है वो है नेचुरोपैथी से, जिसमें आपको अपनी थायराइड ग्लैंड में गर्म और ठंडा सेक करना है, जिसे हम हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं, जल चिकित्सा भी कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दो बर्तन लेने हैं। आप कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं, जिससे कि पानी का जो टेम्परेचर है वो बना रहे। आपको एक बर्तन में गर्म पानी रखना है, जितना आप सहन कर सके उतना गर्म पानी आप रखें, और दूसरे बर्तन में आपको ठंडा पानी रखना है। ठंडे पानी में आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, बर्फ़ भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो पानी अच्छे से ठंडा बना रहे। अब इन दोनों बर्तनों में आपको एक छोटी टॉवल रखनी है, या आप सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इनको डुबोए रहने दें। उसके बाद जो कपड़ा आपने गर्म बर्तन में भिगोया हुआ है, उस कपड़े को आप बाहर निकालें, उसे अच्छे से निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आप उसे अपनी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, यानी कि आपके जो गर्दन का हिस्सा है यहाँ पर, उस पर आपको इस तरीके से रखना है। 2 मिनट तक आपको गर्म सेक देना है अपनी थायराइड ग्लैंड को। उसके बाद उसे आप हटा दें, और फिर जो कपड़ा आपने ठंडे पानी में रखा हुआ है, जो बर्फ़ का पानी है उसमें रखा हुआ है, उस कपड़े को अच्छे से निचोड़ लें, और फिर 1 मिनट तक उस ठंडे पानी में डूबे हुए कपड़े से आपको अपनी थायराइड ग्लैंड की सिकाई करनी है, उसको सेक देना है। ऐसा आपको 4 से 5 सेट करने हैं, 4 से 5 बार करना है, यानी कि पहले गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म और ठंडा। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 4 से 6 महीने तक लगातार करनी है। आप ये दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो 1 बार भी पर्याप्त है, पर इसको आपको लंबे समय तक करना है। जब आप इसे डेली करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो इम्प्रूव हो रहा है, जो थायराइड ग्लैंड के टॉक्सिन है वो बाहर जा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड अपना काम अच्छे से कर पा रही है। नेक्स्ट जो उपाय है, नेक्स्ट जो टिप है, वो है आपको अपनी थायराइड ग्लैंड पे मिट्टी का लेप लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अच्छे से छनी हुई मिट्टी ले लें। कोशिश करें मिट्टी बहुत अंदर गहराई से ली हुई हो, जिसमें उसमें कंकड़ या और तरह की चीज़ें ना हो, बिल्कुल प्योर मिट्टी हो। उसे आप रात भर भिगो के रखें। आप चाहें तो जो कुम्हार मिट्टी इस्तेमाल करते हैं बर्तन बनाने के लिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उस भीगी हुई मिट्टी को आप अपनी गर्दन पे लेप के रूप में लगाएं। अच्छे से लेप लगाने के बाद अपनी थायराइड ग्लैंड के ऊपर आप सूती कपड़ा उसके ऊपर फिर रखना है, यानी कि पहले मिट्टी का लेप हो गया, उसके बाद सूती कपड़ा। इसे आपको 30 से 45 मिनट तक रखना है। जो घर में महिलाएं रहती हैं वो इसे आसानी से कर सकती हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है उनकी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। जो नेक्स्ट टिप है वो है आपको अपनी थायराइड ग्लैंड की मसाज करनी है। इसके लिए आप अखरोट का तेल लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, या फिर आप नारियल के तेल या लेमन ग्रास का भी उपयोग कर सकते हैं, इनका भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 2 से 3 बूंद ऑयल लेना है, अखरोट का तेल लेना है, और उसे अपनी गर्दन पे पहले अच्छे से लगाना है। उसके बाद अपने हाथ को इस तरह कप की तरह बनाकर आपको दोनों हाथों से एक एक साइड से आपको यूं मसाज करनी है। 1 मिनट आपको इस हाथ से और दूसरी 1 मिनट आपको दूसरे हाथ से। इस तरह मसाज करने के बाद आपको फिर ऊपर से नीचे की डायरेक्शन की ओर यूं मसाज करनी है। गर्दन को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के आपको इस तरह मसाज करनी है। ये 3 तरीके से आपको मसाज करनी है। नेक्स्ट आपको फिर अपने दोनों हाथ इस तरीके से ग्लैंड की तरफ ले जाने हैं, अपने गर्दन की तरफ ले जाने हैं। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हुए आपको अपने धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, ऊपर तक। इस तरीके से आपको ऑयल से मसाज करनी है। आप 2 से 3 मिनट तक लगातार ये मसाज करें, आप देखेंगे कि आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन कितनी जल्दी इम्प्रूव हो रहे हैं। T3 और T4 हार्मोन जो इम्बैलेंस हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में जब आप मसाज करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है,
साथ ही साथ वहाँ पे ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बढ़ता है, तो इस तरीके से आपके जो थायराइड ग्लैंड के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट उपाय है, आप धनिए के बीज का इस्तेमाल करें। आपने अक्सर सुना होगा, कई सारी फीमेल से भी आपने सुना होगा कि धनिए के बीज थायराइड ग्लैंड में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच धनिए के बीज लेने हैं। रात को आप 1 से 1.5 गिलास पानी में इसे भिगो कर रख दें। अगर आप तांबे के बर्तन में भिगोएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। भिगोने के बाद आप सुबह इसे अच्छे से बॉयल कर लें। जब ये पानी आधा रह जाए तो इसे छान कर पिए। अगर आपकी थायराइड की मेडिसिन चल रही हैं तो आप उस मेडिसिन को लेने के बाद इससे कम से कम 1 घंटे का गैप देके पी सकते हैं। साथ ही साथ आप धनिए का इस्तेमाल चटनी के रूप में कर सकते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए। या फिर आप धनिए का पेस्ट बना लें, धनियों की पत्ती का पेस्ट बना लें, फिर उसे अच्छे से पानी में मिक्स करके, 1 गिलास पानी में मिक्स करके आप उसे लें। ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। देखिए, थायराइड का जो मेन कॉज देखा गया है, महिलाएँ बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, अपनी जो भावनाएं हैं वो आपस में व्यक्त नहीं करती हैं, अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, जिसकी वजह से चिंता करती है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो थायराइड ग्लैंड है उस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है और उन्हें ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको अपनी जो तनाव है उससे दूर रहना है, अपने स्ट्रेस से दूर रहना है। उसके लिए आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें, आपको योगा ज़रूर करना है। योगा में कुछ एक्सरसाइज हैं वो आप ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि योगा में क्या क्या करना है इस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में जो विटामिन डी है वो अच्छे लेवल में हो, क्योंकि विटामिन डी से भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो विटामिन डी थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पहले टेस्ट कराएं, उसके बाद विटामिन डी के टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने दिन की शुरुआत विटामिन सी से करें, नींबू का पानी लें, कीवी ले सकते हैं, या जो भी खट्टे फल हैं वो आप ले सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी थायराइड ग्लैंड की हेल्थ के लिए। आप अलसी के बीज का सेवन करें, इसका आप अच्छे से चूर्ण बना लें, उसे आप 1 चम्मच डेली सेवन करें। साथ ही साथ कोशिश करनी है कि आपकी डाइट में सिलेनियम अच्छी मात्रा में हो। तो ये सारे कुछ टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप अपनी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस फंक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उनसे बच सकते हैं और अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।